और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोहतक से बड़ी जानकारी है, रिश्वतखोर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। एमएलआर रिपोर्ट के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग डॉक्टर ने की थी। लड़ाई झगड़े के मामले में रिपोर्ट को तैयार किया गया था। दूसरे पक्ष की रिपोर्ट में ज्यादा चोटें दिखाई गई थी और इसी रिपोर्ट को लेकर के 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई एमएलआर रिपोर्ट के लिए और इसमें इसको गिरफ्तार किया गया है। तो प्रदेश के सबसे बड़े पीजीआईएमएस रोहतक से विजिलेंस ने एक डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को सनसिटी में रहने वाले एक शख्स ने यह शिकायत दी कि पीजीआई रोहतक के ट्रामा सेंटर में सीएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर एक लड़ाई झगड़े के एवज में एमएलआर में 307 धारा को हटाने के लिए 2,30,000 रुपए की मांग कर रहा है। 1.5 लाख में यह सौदा पूरा तय हुआ है। आरोपी डॉक्टर का नाम इमरान खान है, जो कि पीजीआई से ही एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है। हाल में ही सीएमओ के पद पर ट्रॉमा में उसको नियुक्त किया गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि 1 जनवरी को दिल्ली बाईपास पर एक होटल में पार्टी करते समय झगड़ा हुआ। दूसरा पक्ष पीजीआई के डॉक्टर ही थे। दोनों की तरफ से अर्बन स्टेट थाने में लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज करवाया गया। इस लड़ाई झगड़े के दिन ट्रॉमा सेंटर में दूसरी पार्टी चोट लगने के कारण आई थी, जिसमें उस समय ड्यूटी पर तैनात सीएमओ डॉक्टर इमरान खान मौजूद थे। उन्होंने दूसरी पार्टी के फेवर में एमएलआर में 307 धारा जोड़ने के लिए चोटें दिखाई। शिकायतकर्ता से डॉक्टर ने धारा 307 हटाने के लिए पहले 2,30,000 रुपए की डिमांड की, मगर बाद में 1.5 लाख में यह पूरा सौदा तय हुआ। इसमें हमारे पास कल शिकायतकर्ता मनदीप हुड्डा हैं, जो कि सन सिटी सेक्टर 35 के रहने वाले हैं। इन्होंने कल आके हमें सूचना दी कि उनसे मेडिकल के डॉक्टर्स एमएलआर में डेंजर्स टू लाइफ ओपिनियन देने के एवज में उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं स्टेट थाने में, जिस पर कल परसों 5 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया था दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का। तो शिकायतकर्ता के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें जो इंजर्ड था उसको चोटें लगी थी और उसकी एमएलआर कटी थी। वो एमएलआर डॉक्टर इमरान खान जो ट्रॉमा सेंटर में एमओ की ड्यूटी करते हैं इनके द्वारा काटी गई थी। तो इन्होंने उस एमएलआर के संबंध में जैसे इनसे संपर्क किया है डॉक्टर इमरान खान ने इनसे उसके रिगार्डिंग 2,30,000 रुपए की डिमांड की डेंजरस टू लाइफ ओपिनियन ना देने की एवज में। तो इनकी डिमांड के बाद इनका 1.5 लाख में सौदा हुआ है। इसमें